from Naina Devi temple. You can enjoy the beautiful view of this lake, the Naina Lake. This is the Naina Devi temple here. And this side, oh my god, what a view. In front of this Naina Devi temple, we have this little Tibetan market. Market se thodi dur aage yahan gurudwara. This side there mosque bhi hai, wahan thodi dur aage mein church bhi hai. लेक के पास बैठ के थोड़ी वक्त जरूर बिताएं, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो आई वॉज स्टेइंग इन दिस होटल कॉल्ड होटल डॉल्फिन. इट्स नियर द राजभवन, जस्ट 5 मिनट वॉक अवे फ्रॉम देयर. लेट मी शो यू माय रूम. और भैया क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भैया, आपका? तो बहुत दिन बाद आपसे मिलना हुआ. पहाड़ियों में बहुत कम आता हूँ आजकल. जी जी. तो आज रूम होगा मेरे लिए? क्यों नहीं भैया, आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए. सस्ते में मिल जाता है ये रूम? मिल जाएगा. चलो चलो रूम दिखा देते हैं व्यूअर्स को. आ जाओ भैया. दिस इज एग्जैक्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम राजभवन. व्हेन एवर यू कम यू कैन विजिट हिम. डबल बेड है, सामने मिरर टीवी सब है. आ जाइए भैया, आपको यहाँ से व्यू दिखा देते हैं. बहुत ही ज्यादा अच्छा है. चल तो उत्तराखंड के फर्स्ट गवर्नर थे सुरजीत सिंह बन्नाला साहब, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के फर्स्ट गवर्नर थे. उन्होंने ये विजिटरों के लिए 26 नवंबर 2001 को खोला दिया. उससे पहले पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था सर. आगे से लेफ्ट चलेंगे सब लोग. ये पहले बताते थे रेलों में स्लीपर बनाने के काम आते थे, जो पटरी के नीचे लगते थे. अब तो सीमेंट के बनने लगे हैं. इनकी लाइफ काफी रहती है सर. 200-300 साल पुराना पेड़ रहता है. देवदार ओक कहता है सर इसे. बैक साइड है जो आप लोग देख रहे हैं, राजभवन का बैक साइड. फोटो बाद में एलिफेंट टॉप डोरोथी सीट कहते हैं ना. 12 पत्थर से बाई हॉर्स जाते हैं वो. 6-7 आदमी खड़े हैं, देखिएगा सामने दिख रहे हैं आपको. ये टिफिन आकार का बना हुआ है जिसमें हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट ले जाते हैं. इस वजह से इसका नाम टिफिन टॉप रखा गया है. डोरोथी सीट बता दें सर. ब्रिटिश टाइम में ये लड़की का नाम डोरोथी था. वो धूप सेकने के कारण उनका पैर फिसल गया. पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु होगी. इस वजह से उसका नाम डोरोथी सीट रखा गया. जस्ट इसके नीचे सहरूड स्कूल है जहाँ अमिताभ बच्चन जी पढ़े थे. उसके बाद देहरादून पढ़े थे. आइए सब. कर्तव्य होता है जो गाना था हाइला हाइला हुआ हुआ इधर ही शूट हुआ था. मैं बताना भूल गया था आपको. हाँ इसी में हुआ. कौन सा फिल्म? कोई मिल गया सर अंकल. पहले बताते थे सर सीमेंट नहीं हुआ करता था. पहले जैसे उड़द की दाल है, चना है, गुड़ है, चीना है. इट वॉज अ गाइडेड टूर. कॉस्ट वॉज अराउंड 50 रुपीज ओनली पर पर्सन. दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ गवर्नर. पहाड़ियों पे घूमने के लिए सबसे अच्छी होती है बाइक. जब भी आप आओ तो बाइक हायर कर लो, क्योंकि गाड़ियों से आपको इतना मज़ा नहीं आ पाएगा. आप लोकेशन कर लो फिर कब आओ. सो वेन एवर विजिट प्लीज हायर बाइक. और यहाँ पे आपको रेंट पर भी मिल जाती है बाइक. 700 रुपये 1000 रुपये से स्टार्टिंग है. बहुत ही सस्ता है, चीप है. और
जैसे टैक्सी होती है हमारे यहाँ, आप बाइक बाइक चला सकते हो, टैक्सी के साथ मिनिमम फेयर 100-200। मैं निकल पड़ा हूँ चाइना पिक के तक, वहाँ से शाम का व्यू मुझे इन्जॉय करना, सनसेट इन्जॉय करना है, इसलिए थोड़ा होटल में आराम किया। सुबह मैं निकल चुका हूँ अभी, और मैं आपको व्यू दिखाऊंगा पहले। Now I'm trekking towards China Peak, or you can say Naina Peak. This is the way. See, चढ़ाई है, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे। भाई हालत ख़राब होगी, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे। ट्रैकिंग इज नॉट सो ईजी गाइज, बट वैन यू लुक दिस व्यूज इट गिव्स यू करेज। पता नहीं कितनी दूर और है, चलते जा रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ ठंड बढ़ती जा रही है, और व्यूज उतने अच्छे होते जा रहे हैं। आपको दिखेगा नहीं, मुझे दिख रहा है। Oh man, finally reached China Peak, or you can say Naina Peak. China Peak इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ मंदिर है चीना बाबा के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये चीना बाबा का मंदिर है, इसलिए इसे चीना पीक बोला जाता है। और व्यूज़ यहाँ से नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ से 100 मीटर और आगे जाना पड़ेगा हमें व्यूज़ के लिए। ये पिक समुद्र तल से 8,622 फीट की ऊंचाई पे है। से आपको पूरा नैनीताल दिख रहा होगा, ये पूरी लेक दिख रही है हमें यहाँ से, तो चारों ओर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ से। कभी कभी कहीं किसी खास जगह, खाली जगह अकेले बैठने से एक अलग सी खुशी और अलग सा एहसास होता है। हम लोग सनसेट नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया सनसेट के बाद उतरना रिस्की हो सकता है। Take a walk in evening on Mall Road from Talli Tal to Malli Tal, 1.5 kilometer की ट्रैक है ये, बहुत ही प्यारा। इधर मॉल रोड है, इधर मंदिर लेक है, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा आपके सामने। रात में लेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है,
और ये यहाँ का मॉल रोड।